सरायकला जिला के सरायकला प्रखंड का चड़कपाथर गांव में आंगनबाड़ी 2007 से चल रही है, लेकिन अभी तक वहां पर सेंटर नहीं बना है, जिसके कारण वहां के बच्चों का पढ़ाई एवं खाना उपस्वास्थ्य केंद्र में हो रही है, जो बंद पड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र कब से चला रहे हैं? आंगनबाड़ी केंद्र 2007 से चला रहे हैं। अभी आप लोग उपस्वास्थ्य केंद्र में आंगनबाड़ी क्यों चला रहे हैं? आंगनबाड़ी नहीं बनने के कारण हम लोग उपकेंद्र में अभी चलाना पड़ रहा है। सेंटर भी नहीं बना है ना, अभी किराया घर भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग उपकेंद्र में चला रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ सेंटर चला रहे हैं, खुले जगह है, मतलब सेंटर छोटा सा उपकेंद्र तो बड़ा है, लेकिन एक ठो रूम हम लोग को दिया गया है। उपकेंद्र जब शुरू होगा तो यहाँ नहीं चलाने देंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग यहीं चला रहे हैं। खाना भी हम लोग बाहर ही पका रहे हैं और बाहर में बच्चों को दे रहे हैं। वजन भी हम लोग पेड़ का नीचे में करा रहे हैं, जगह नहीं होने के कारण। अब लोग को सही समय पर राशन मिलता है? पहले तो शुरू में सही समय पर नहीं मिलता था, लेकिन अभी मिल रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी आंगनबाड़ी केंद्र बने। मैंने इस समस्या पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनने के कारण वहाँ के बच्चों की पढ़ाई उपस्वास्थ्य केंद्र में हो रही है और उसका खाना भी बाहर खुले जगह में बन रहा है और बच्चों को भी बाहर ही खाना पड़ रहा है, जिससे उसका स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुँचा सकता है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पूनम अंबिका नाग, मोबाइल नंबर 9471546725। मैं आप सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि इस नंबर पर कॉल करें और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर दबाव बनाएं ताकि हमारे चड़कपाथर गांव के आंगनबाड़ी सेंटर बने। मैं सुजिता टुडू, गांव चड़कपाथर, जिला सरायकेला खरसवां, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।